ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो बस भाई, जिस चीज का इंतजार था बस ऐसा लग रहा था कि हो ही जाएगा और वो चीज WWE ने ऑफिशियल कर दी है। यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए तो नहीं फिलहाल, लेकिन गाइस क्राउन जूल जो WWE का पेपर व्यू है वहां के लिए WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच। अब ये बात हमको पता है कि बहुत टाइम से हमको पता था, जिस तरीके से समर स्लैम के अंदर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ था कि भाई आज नहीं तो कल रोमन रेंस के सामने ब्रॉक लेसनर को आना ही है। बस हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई किस तरीके से WWE स्टोर लाइन के अंदर जो है हमको चीजें दिखाएगी। अभी स्टोर लाइन तो चलने ही वाली है, लेकिन अभी एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू बाकी है। लेकिन गाइस एक्सट्रीम रूल्स के बाद जो WWE डेट भी रिवील कर दिया, अगर आपको नहीं अभी पता तो बता देता हूं, क्राउन जूल का जो पेपर व्यू है उसकी डेट होने वाली है 21 अक्टूबर की। वैसे आपको अभी बैकग्राउंड अलग सा लग रहा है ना, तो गाइस मैं अभी अपने घर काशीपुर से दिल्ली आया हुआ हूं, व्लॉग्स बड़े इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, तो व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, शायद कल तक कोई नया व्लॉग आ जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए भी आप लोग व्लॉग चैनल के साथ जुड़े रहना। खैर हम लोग टॉपिक से भटकते नहीं है, तो एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू अभी बीच में है, लेकिन WWE ने क्राउन जूल के लिए अभी से मैच एडवर्टाइज कर दिया जिसकी डेट होने वाली है क्राउन जूल की 21 अक्टूबर की। अब गाइस इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये है कि WWE ने जो अनाउंसमेंट किया ना, वहां पर उन्होंने इस चीज को बताया है कि क्या यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच के अंदर। यानी WWE ने अभी यहां पर एक तरीके से कहते हैं ना कि बीच में मामला लटका कर छोड़ दिया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि WWE ने रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच एडवर्टाइज कर दिया, यानी डीमन बैलर के पास तो चैंपियनशिप आनी नहीं है, लेकिन WWE ने स्पेशली अलग से रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की एडवर्टाइजमेंट के अंदर इस बात को मेंशन किया हुआ है कि भाई क्या यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी। यानी अभी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का जो मैच है ना, वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नहीं है। यानी पहले रोमन रेंस एक्सट्रीम रूल्स में जाएंगे, अगर यूनिवर्सल चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड हो पाती है उनसे डीमन बैलर से, तभी जाकर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का जो मैच है वो क्राउन जूल के अंदर होगा। लेकिन गाइस एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से लड़ने आ क्यों रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको पता है यहां पर हमको क्या पॉसिबल हिंट मिल रहा है, जो कि मैंने चैनल के, अगर आप लोग एक्टिव चैटर हो तो ऑब्वियसली आपके साथ शेयर किया था कि भाई चांसेस यहां पर यही है कि रोमन रेंस को रोकना मुश्किल है और रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच जो मैच देखने को मिलेगा वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा। हाँ, काफी सारे लोग डिसअपॉइंटेड हैं कि भाई ये वाली अनाउंसमेंट WWE को रोक के करनी चाहिए थी, पहले एक्सट्रीम रूल्स का मैच हो जाने देते डीमन बैलर के साथ, उसके बाद जाकर कर लेते, लेकिन खैर WWE के टैक्टिक्स रहते हैं, उनको चीजें जो है एडवांस में अनाउंस करके चलनी पड़ती है, तो इसलिए जो है आपको मैच जो है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का क्राउन जूल के अंदर देखने को मिलेगा। और जो लोग रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच देखना चाह रहे थे उनके लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, लेकिन गाइस कल की स्मैकडाउन के बारे में आपको थोड़ा सा सीन समझा देता हूं। और WWE ने अनाउंस तो ज्यादा कुछ चीजें की नहीं है स्मैकडाउन के लिए, लेकिन गाइस कल के शो में आपको डीमन बैलर देखने को मिल सकते हैं, और डीमन बैलर के साथ एक और बड़ा नाम। डीमन बैलर के बारे में WWE ये टीज कर रही है कि स्टिल डीमन बैलर की निगाहें होंगी रोमन रेंस के ऊपर। अब हमने डीमन बैलर की ज्यादा अपीयरेंस तो देखी नहीं है WWE के शोज के ऊपर, मतलब इतने टाइम से तो वो गायब ही थे ना, अभी उनका रिटर्न हुआ है, तो इसमें इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भाई डीमन बैलर अब जब आते हैं तो उनके साथ क्या सीन होता है। इसके अलावा गाइस पॉसिबली कल आपको फाइनली लास्ट टाइम जो है बिगी शो के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अब वो कैश इन करके जो है WWE चैंपियन बन गए, और WWE चैंपियनशिप जो है इस समय रॉ ब्रांड का मटेरियल है, तो ऐसे में बिगी को जो है रॉ ब्रांड के ऊपर जाना पड़ेगा। इवन जो WWE की वेबसाइट है वहां पर भी जो उनका स्टेटस है वो रॉ सुपरस्टार का ही है, तो ऐसे में यहां पर हो सकता है पॉसिबली एक फाइनल टाइम आपको बिगी अपीयर होते हुए दिखा दें स्मैकडाउन के शो के ऊपर। और वैसे तो आपको पता ही है कि स्मैकडाउन के जो शोज है वो बढ़िया जाते हैं, तो स्मैकडाउन से तो हम काफी अच्छी चीजों की उम्मीदें रख सकते हैं। वैसे भी मेडिसन स्क्वायर गार्डन का शो गया काफी बढ़िया सा, तो इस वाले शो से भी हम लोग उम्मीदें रख सकते हैं। और क्योंकि अब क्राउन जूल का मैच भी ऑफिशियल हो गया, तो देखते हैं कल वाले स्मैकडाउन के शो से हमको क्या चीजें देखने को मिलती है। लेकिन आज की वीडियो जो है थोड़ी सी शॉर्ट रखते हैं, इसको यहीं पर रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल आपसे स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।